क्या बात है, क्या पपी है यार, देख सकते हो ना क्या रिंकल है, वाह यार क्या। और ये ब्लैक, मैं भी एक चीज दिखा पाऊँ, ये देखो बच्चा कैसे सो रहा है, वाह क्या बात है यार, ये सिर्फ 2 दिन के पपीज हैं और आज ब्लू आईज है, वाह क्या बात है यार। 3 से 4 लाख इजीली खर्चा पड़ जाएगा आपको इन इंडिया, क्या बात है। तो आप देख सकते हो यार कितने ज्यादा क्यूट बच्चे हैं और कितने लाल जो है इन डॉग्स का नीनी टाइम हो पड़ा है, देखिए वो 2 वहाँ सो रहे हैं, एक वहाँ हस्की वहाँ पर सो रही है, 2 लैब्राडोर यहाँ सो रहे हैं। हेलो गाइस, क्या हाल चाल, सो वेलकम टू टुडेज व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे एक पोल किया था कि मैं एक लैब्राडोर स्पेशल और लैब्राडोर या डॉग ब्रीडिंग का बिजनेस कैसे शुरू करें उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, तो पोल का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बहुत लोगों ने यस कहा, 96% लोगों ने यस कहा इंस्टाग्राम, और अगर मैं यूट्यूब को मैं ला लूँ तो ज़्यादा टाइम लेते यार, अभी मैं उठाऊँ मैं तैयार होता हूँ फटाफट और मैं पहुँचता हूँ बिल्कुल थोड़े से दूर, 2 या 3 घर छोड़ के मेरे दोस्त का फार्म है वो दिखाने। तो मैं एक बार बता दूँ, मैं क्वारंटाइन में लॉकडाउन में बाहर नहीं जा रहा, तो आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट है आप बाहर ना निकले, सेफ रहे और आप सबके एंटरटेनमेंट का ख्याल मैं और मेरे जितने यूट्यूबर भाई है सब रखेंगे। सो स्पेशली जो जितने भी डॉग लवर मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके डॉग को कोई प्रॉब्लम है और आपको डिफिकल्टी आ रही है बाहर नहीं निकल सकते तो ये वीडियो क्लिप जरूर सुन लीजिए, क्योंकि डॉक्टर सरदाना जो कि कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं उन्होंने एक हेल्पलाइन चलाया, उसके बारे में डॉक्टर साहब खुद बता रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गौरव सरदाना, वेटनरी सर्जन। लॉकडाउन के चलते जो लोग अपने डॉग्स को वेटनेरियन के पास नहीं ले जा पा रहे हैं उनके लिए हमने एक फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिसमें लोग व्हाट्सएप करके अपने डॉग के हेल्थ के बारे में, उसके फर्स्ट एड के बारे में कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह देंगे आपके डॉग के हेल्थ के बारे में। सबसे पहले तो मैं पुलकित भाई का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने अपना प्लेटफॉर्म मुझे अपनी बात रखने के लिए प्रोवाइड किया। दोस्तों इस नंबर को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो, जितने भी डॉग लवर को डॉग ओनर्स को आप जानते हो उनको ये वीडियो शेयर करो ताकि सब तक ये नंबर पहुँचे और वो इस चीज़ का मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों इस नंबर पर आपने कॉल नहीं करनी है, सभी लोगों ने अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप करके हमारे को बतानी है, डॉग की फ़ोटोग्राफ भेज सकते हो, उसकी सारी प्रॉब्लम लिख के भेज सकते हो, हम आपको मैक्सिमम कोशिश करेंगे ह्यूमन बीइंग की दवाइयाँ बताएं ताकि आप अपने नियरेस्ट मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ खरीदें और अपने डॉग का फर्स्ट एड घर पर ही दे पाएँ। थैंक यू। तो प्लीज़ आप इनका हेल्पलाइन नंबर नोट कर लीजिए, अगर आपको कोई डिफिकल्टीज आए आप इनके व्हाट्सएप के थ्रू इनसे यू नो मेडिसिन की जो भी आपको जो सलाह लेनी है वो दे सकते हैं। तो ज़्यादा समय लेते चलिए शुरू करते हैं। A few moments later. So, फिलहाल गाइस मैं आ चुका हूँ उस लोकेशन पे जिस लोकेशन की मैं बात कर रहा था, वो मेरे सिर्फ 1 या 2 घर छोड़ के ही वो लोकेशन है, वो है मेरे दोस्त जाचक सिंह का डॉग फार्म, जो कि उन्होंने बहुत अच्छे से एक स्पेस में एक बहुत अच्छा सा वेल मेंटेन्ड डॉग फार्म किया है जो कि स्पेशली लैब्राडोर के लिए। तो आपको बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि एक लैब्राडोर पे एक वीडियो बनाई, तो मैं सोचा कि यार क्वारंटाइन चल रहा है, ठीक है फिलहाल लॉकडाउन है, तो मैं एक वीडियो बनाता हूँ आप सबको एंटरटेन करने के लिए और आपको थोड़ी नॉलेज भी मिल जाएगी कि आप डॉग बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आपके पास अच्छा सा स्पेस है तो आप स्पेशली लैब्राडोर्स का ब्रीडिंग कैसे करवा सकते हैं एंड एवरीथिंग जो आज मैं कवर करने वाला हूँ। तो ज़्यादा समय नहीं लेते चलिए शुरू करते हैं। सो ये जो डॉग फार्म है वो 45x30 स्क्वायर फुट मेरे ख्याल से इतनी जगह में बनाया हुआ है और बहुत वेल मेंटेन्ड है, ज़्यादा डॉग्स नहीं हैं, इन्होंने यहाँ पर भीड़ नहीं करी, बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड डॉग्स, सिलेक्टेड फीमेल, सिलेक्टेड डॉग्स जो है इन्होंने अपने ब्रीडिंग के लिए, खुद के लिए, घर की ब्रीडिंग के लिए रखे हुए हैं और ये बाहर से भी इम्पोर्ट वगैरह करवा लेते हैं डॉग्स को। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इनके डॉग्स की, पपीज़ भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा और एक एक करके मैं फ़िलहाल क्या करने वाला हूँ फीमेल को लेकर आने वाला हूँ और आपको फीमेल्स दिखाता हूँ जो इनके पास क्वालिटी फीमेल्स है लैब्राडोर में, तो वो दिखाऊंगा और मेल्स दिखाऊंगा जो इनके स्पेशली स्टड वर्क के लिए इन्होंने रखे हुए हैं। तो सारा कुछ आपको एक एक करके डिटेल में दिखाता हूँ। तो फिलहाल मैं इनकी दिखाता हूँ, सबसे पहले जो एक फीमेल लेकर आई है वो ये है लैब्राडोर, इसका नाम है डॉली। तो ये इन्होंने ब्रीडिंग के लिए स्पेशली रखी हुई है, फिलहाल इसके पपीज़ हुए हैं भाई, इसके पपीज़ अभी फ़िलहाल होने वाले हैं कुछ टाइम तक और आप इसके देख सकते हैं। बेसिकली हमारे जो साइड में जो लैब्राडोर है उसमें थोड़ा रिंकल्स की ज़्यादा डिमांड रहती है और इसके जो पेरेंटल अगर हम ब्लड की बात करें वो इम्पोर्ट है और चैम्पियन मतलब डॉग्स लाइन से है ये। मैं दिखाता हूँ इनके जो इनके पास इनके एक हस्की की फीमेल रखी हुई है जो कि इसका नाम है कुल्फी और इसकी अगर आप आइज़ देखो ना ब्लू आइज है, वाओ क्या बात है यार, वाओ बड़ी खतरनाक लग रही है, इसका कलर बहुत पसंद है मुझे, इसका बहुत कलर कुल्फी यार। ये चीज़ मुझे पता है, मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि जो साइबेरियन हस्कीज़ हैं वो इस एनवायरनमेंट के लिए नहीं है, वो ठंड में रहते हैं, आई नो
बट जितने भी ये डॉग फार्म जिन्होंने हस्की को रखा हुआ है उन्होंने स्पेशल जो है हस्की को ठंडा मतलब बेसिकली रखने के लिए इन्होंने बहुत अच्छे से पूरी प्रेपरेशन की हुई है। स्पेशली इस कैनल की अगर मैं बात करूँ इन्होंने स्पेशली गर्मियों के लिए कूलर्स लगवाए हुए हैं जो कि डॉग्स के ऊपर रहते हैं। और अगर अभी बच्चे का जब मैं लेकर जाऊँगा आपको दिखाऊँगा कि बच्चे फिलहाल गर्मी में अगर ब्रीड हुआ है मतलब ठीक है उनकी डिलीवरी हुई है तो उनको गर्मी से बचाने के लिए उन्होंने क्या क्या सुविधा करी हुई है क्या क्या इन्होंने प्रेपरेशन की हुई है। सो स्पेशली मैं अब आपको दिखाता हूँ जो डॉली अभी आपको दिखाई है उसका एक बेबी जो इन्होंने तैयार किया हुआ है जो कि स्टड मतलब वर्क के लिए करा हुआ है फैजल। और भाई साहब देख सकते हो वाओ फेस देखो यार इसकी फेस इतना भारी हेड फेस। बेसिकली हमारे यहाँ पर इस टाइप के लैब्राडोर्स की बहुत डिमांड रहती है। आई नो बहुत लोग ये कमेंट करेंगे कि ये लैब्राडोर नहीं है ये मस्तीफ वगैरह है तो बेसिकली मुझे नहीं पता बट ये चीज़ की डिमांड यहाँ बहुत ज़्यादा रहती है। सो अभी जो है जो फैजल अभी आपको डॉग दिखाया मैं उसका फादर आपको दिखाता हूँ। मदर आपको मैंने उसकी दिखाई आपको उसका भी फादर दिखाता हूँ कि फादर कैसे दिखता है। देख सकते हैं ये है उसका फादर ब्रूनो इसको कहते हैं ब्रूनो। सो बेसिकली अगर मैं ब्रूनो के बारे में बताऊँ तो ये भी एक चैम्पियन लाइन से ब्रूनो यू नो वो करता है और फिलहाल तो यार बड़ा शाही सा हो रहा है। और इसकी फेस मार्किंग आप देख सकते हैं वाओ कान देखिए बोन साइज देखिए इसका यू नो लेग्स का बोन साइज देख सकते हो आप क्या इतना अच्छा बोन साइज है। और इसकी टेल देखो कितनी शॉर्ट टेल है और कितनी हैवी टेल है और वाओ भाई वाओ क्या मार्किंग है भाई क्या लैब्राडोर है। ऐसा लैब्राडोर घर पे रखने का यू नो बहुत मन करता है मेरा बहुत ज़्यादा क्योंकि क्वालिटी लैब्राडोर अगर घर पे रहे ना तो घर पे कोई आता है तो वो भी रौब डालता है ना। अब आपको दिखाता हूँ ये जो फीमेल्स हैं इनको एक कैसे बेसिकली रखते हैं इनके सब फीमेल्स के लिए एक ऐसे ऐसे करके इन्होंने एक खाने बनाए हुए हैं बेसिकली जाल से ठीक है। तो कुछ फीमेल्स डॉग्स यहाँ पर रहते हैं और जो डॉग्स हैं उनको सेपरेट करके ये इनका जो घर है उसकी छत पे इन्होंने एक अच्छा सा कैनल वहाँ पे भी तैयार किया हुआ है स्मॉल इन डॉग्स के लिए वो डॉग्स हैं इनको वहाँ पर रखते हैं और जो फीमेल्स होती हैं बेसिकली वो इधर रहती हैं और जिन फीमेल्स की डिलीवरी हो रही होती है वो पपी रूम में रहती हैं पपीज़ के साथ। तो वहाँ पर देख सकते हो हस्की है और लैब्राडोर ब्लैक लैब्राडोर्स की भी बहुत डिमांड होती है तो इन्होंने ब्लैक भी रखे हुए हैं। और सो बेसिकली मैं आपको इनके बॉक्सेस इन्होंने जाली के बनाए हैं ये है 5x5x5 ठीक है स्क्वायर फीट में और यहाँ पर ये एक एक फीमेल को रखते हैं वो देखिए हस्की को नींद आ रही है ठीक है। और ऐसे कर यहाँ पे कम से कम 6 से 7 खाने मुझे यहाँ पे हैं थोड़े इधर साइड भी इधर थोड़ा मैसी करके मैं दिखा नहीं रहा। और इनके पास टोटल 12 फीमेल्स हैं जिसमें से कुछ की डिलीवरी हो रही है कुछ अभी बेसिकली प्रेगनेंट कह सकते हैं आप हैं और कुछ अभी बच्चे हैं ठीक है इनमें से एक दो फीमेल्स जो अभी पपी हैं। तो इन्होंने अपने कैनल में ये जगह रखी है स्पेस स्पेशली जब डॉग्स को नहलाते हैं या उनकी यू नो ग्रूमिंग करनी हो तो ये स्पेस इन्होंने स्पेशली उस चीज़ के लिए रखा हुआ है। फिलहाल जैसे कि गर्मी है तो इन्होंने अभी जो है अपने डॉग्स के वहाँ पर ये स्पेशली ये चटाई है जो इन्होंने ऑर्डर पे बनवाई थी मेरे सामने भी ये सारी सेटिंग की गई है जो कि गर्मियों में धूप ना लगे इसके लिए उन्होंने लगाई हुई है और ये जो ऐसे करके स्पेशली ऊपर हो जाती है। और ये यहाँ पर इनके डॉग्स हैं ऐसे करके इन्होंने यहाँ पर ऐसे 4 जीजें ऐसे 5 कम से कम जाले जो हैं ये बाहर लगाए हुए हैं ताकि डॉग्स को एयर ये एरिया इन्होंने खुद के लिए रखा हुआ है। और स्पेशली यहाँ पर सफाई होती है रेगुलरली सारा कुछ यहाँ पर वेल मेंटेन रहता है। एक स्पेशल एक सेक्शन बनाया जहाँ पे ये डॉग का फूड बहुत सफाई से तैयार करते हैं इसके अंदर इन्होंने राइस एंड ये जो पेडिग्री है वो बेसिकली मिक्स करके ये डॉग्स के लिए पूरा फूड रेडी करते हैं तीनों टाइम के लिए। और वहाँ पर इन्होंने एक फ्रिज रखा है जिसके अंदर ये डॉग्स का जितना भी खाने का मटेरियल होता है जो ख़राब ना हो उसके लिए इन्होंने लिया हुआ है ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे ये स्पेशल फैंस वगैरह। और अभी कुछ टाइम के बाद जो है ये यहाँ पर एक कूलर जो होते हैं 2-3 हर सेक्शन के बाहर एक कूलर लग जाएगा जिससे क्या है डॉग्स को गर्मी से बचे और शाम को ये डेली जो है बेसिकली ये चीज़ सफाई करते हैं। और इस चीज़ के भी ऊपर भी आपको भी दिखाता हूँ। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई डॉग का जो है हमने फार्म स्टार्ट करना है हमने बिज़नेस स्टार्ट करना है तो बेसिकली जगह बहुत ज़रूरी है सबसे पहले डॉग बिज़नेस के लिए आपके पास एक अच्छी सी जगह हो चाहे वो आपके घर में ही हो। अगर आप छोटा बिज़नेस शुरू करना चाहते हो तो आप फिलहाल घर में ही 1 या 2 डॉग्स या फीमेल यू नो रख सकते हैं उससे आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास अच्छी जगह है तो आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट कीजिए कुछ ऐसा बनाइए जैसे मैंने आपको दिखाया मेरे फ्रेंड का फार्म है। और मैं अगर यहाँ पर सफाई की मैं बात करूँ तो इन्होंने एक स्पेशल एक चीज़ जो है थोड़ी इनोवेटिव मुझे लगी वो की हुई है कि पानी से जो जितनी भी इनकी सफाई है वो सारी सीवरेज के थ्रू मतलब यहाँ से चली जाए। और इन्होंने पर जो है मोटर वगैरह लगा रखी है जिससे पाइप से रेगुलरली यहाँ की सफाई करते हैं और यहाँ पर इन्होंने अंदर यू नो
सारी सफाई के लिए, हर एक जो खाना है इसके अंदर ये पानी की सफाई के लिए होल्स बनाए हैं जो कि जिधर सीवरेज में जाके मिलते हैं। तो ये एरिया कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आप अपना मेंटेन करना चाहते हैं, आप अपने डॉग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे कुछ जगह बनाकर। अगर आपके पास इतना स्पेस है, एक खाना आप यहाँ पर बनाइए और एक पपी रूम स्पेशली बनाइए जिसके अंदर आपकी फीमेल्स की डिलीवरीज वगैरह होगी और वहाँ पर आप पपीज़ को रेडी कर सकते हैं, यू नो, फीड कर सकते हैं। लाल जो है इन डॉग्स का नीनी टाइम हो पड़ा, देखिए वो दो वहाँ सो रहे हैं, एक वहाँ हस्की वहाँ पर सो रही है, दो लैब्राडोर और यहाँ सो रहे हैं, ये बड़ी शैतान है ये यहाँ पर सो रही है। हाँ जी, क्या हाल है? ये बेबी है बेसिकली, पपी आप देख सकते हो, और देखो बड़े शैतान है यार। लैब्राडोर की यही खासियत है, बहुत फ्रेंडली और बहुत शैतान होते हैं। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ पपी रूम में। सो यहाँ पर मैं स्पेशली अगर ऊपर से स्टार्ट करूँ, उन्होंने सारी दवाई वगैरह रखी हुई है पपीज़ के लिए। एक कूलर जो है स्पेशली मैं आपको बताया था वो लगाया हुआ है, ऐसे केजेस जो है पपी के लिए भी सेक्शन बनाए हुए हैं, और इन्होंने सारी डाइट वगैरह, यू नो, एग्स वगैरह सब रखे हुए हैं। और एक इन्होंने छोटा केज रखा है, अगर पपी बड़े हो जाते हैं उनको सफाई के लिए, अगर ये जगह सफाई करनी है तो पपीज़ को यहाँ वो शिफ्ट कर देते हैं इस केज में। ये रेडीमेड केज आता है, आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं पपीज़, सभी मैं पपीज़ को बाहर लेकर जाऊंगा एक एक करके और आपको पपीज़ दिखाऊंगा कौन सा कितने दिन का है, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दिखाने के लिए। तो फिलहाल मैं अभी आपको दिखाता हूँ लैब्राडोर के जो पपीज़ हैं, और ऐसे पपीज़ यार आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलेंगे, स्पेशली मैं विज़िट करा यहाँ पे आपके लिए कि आपको अच्छी क्वालिटी के लैब्राडोर पपीज़ दिखा सकूं। और इनके पास, यू नो, ब्लैक लैब्राडोर भी हैं और वाइट लैब्राडोर पपीज़ दोनों फिलहाल के लिए अवेलेबल है, मेल फीमेल। तो मैं आपको दिखाता हूँ 15 डेज़ के पपीज़, जो कि मेरे हिसाब से बहुत क्वालिटी पपीज़ है। वाह, क्या बात है, देख रहे हो 15 दिन के पपीज़ हैं और रिंकल्स देख सकते हो आपके पास, इनके हाथ में भी रिंकल्स हैं और ये वाइट कलर में है। वाह यार, क्या बात है, क्या पपी, और ये 15 डेज का पपी है, उसका रिंकल देख सकते हो आप, फेस कितना पंच्ड है, और देख सकते हो हाफ उंगली का भी डिफरेंस नहीं है इसकी नोज से, यू नो, तो क्वालिटी देख सकते हो आप, इसके हाथ में रिंकल्स देख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ बहुत मैटर करती है इन लैब्राडोर स्पेशली। और अगर मैं ब्लैक की बात करूँ तो ब्लैक में बहुत कम डॉग्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिन पे रिंकल्स होगी, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और अभी मैं इनका रेट वगैरह सब डिस्कस करूँगा इनके साथ। फिलहाल मेरे हाथ में लैब्राडोर की पपीज़ है जो कि सिर्फ 14 डेज ओल्ड है और बहुत ज़्यादा क्यूट है। इनके साथ मैंने एक फोटो शूट किया है जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला है, आप देख सकते हैं साइड में आ रहा होगा मेरा फोटो शूट किया है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। ये है फिलहाल 25 डेज के लैब्राडोर के, इनके पास पपीज़ हैं, वो छोटे हैं इनसे एज में और ये बड़े हैं। तो ये भी अगर आपको किसी को परचेज करनी है तो आप इनके नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर पे, यू नो, कॉल कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा पंच फेस है, आप देख सकते हो इसमें तो बिल्कुल ही कुछ डिस्टेंस नहीं है। और टेल दिखाना इनकी, यार टेल देख सकते हो अभी से ही कितनी हैवी और कितनी शॉर्ट है, ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा, यू नो, मैटर करती है। और ये फैमिली डॉग है, बहुत प्यारा फैमिली डॉग है, तो आप इसको अगर आपको चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर है, इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो अभी मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ, बहुत कम लोग दिखाते हैं, 2 डेज़ का पपी, सिर्फ 2 डेज़ का। वाह, क्या बात है यार, ये सिर्फ 2 दिन के पपीज़ हैं और आप देख सकते हो कितने छोटे हैं। और अभी से अच्छा, अगर इसके 2 दिन के पपीज़ के मुंह पे, फेस पे रिंकल देखे ना, वाह भाई वाह, क्या बात है, 2 डेज़ के पपी के फेस पे, यू नो, कितने रिंकल है। और ये अभी बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो इनके बारे में भी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बट अभी से ही ये कितने ज़्यादा हैवी हैं। और चलो इनको अंदर रखा है, इनको मैं चाहता नहीं है इनको डिफ़िकल्टी हो। सो अगर मैं बात करूँ पूरे खर्चे की, ये पूरा फार्म अगर आप ज़ीरो से तैयार करेंगे, अगर आपके पास अपनी ज़मीन है, तो 3 से 4 लाख आपका खर्चा आ जाएगा, एवरीथिंग, जो कि ये लोहा से लेकर, यू नो, एवरीथिंग, लाइटिंग सब से लेकर 3 से 4 लाख इजीली खर्चा पड़ जाएगा आपको इन इंडिया। हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर ये डॉग जो कैनल है, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। और साथ के साथ एक तरीके से कि इन्वेस्टमेंट है, और जितने इनके डॉग्स हैं सारे KCI रजिस्टर्ड हैं, और जितने पपीज़ हैं फॉर सेल है और KCI रजिस्टर्ड हैं। और अगर आपको ये पपीज़ को बाय करना है, परचेज़ करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी फेसबुक आईडी, इनका नंबर है, आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा, ये जो पपीज़ हैं ये इतने, यू नो, अच्छे प्राइस में नहीं मिलेंगे आपको, चीप प्राइस में नहीं मिलेंगे, बिकॉज क्वालिटी मैटर करती है और क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। और ये होता है ना, पपीज़ दिखने में बचपन में बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े होकर वो बहुत ज़्यादा, यू नो, फूक निकल जाती है बेसिकली, नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ तो इनकी पपीज़ में वो चीज़ नहीं मुझे दिखती। बहुत अच्छी क्वालिटी के इनके पपीज़ जो हैं वो रेडी होते हैं, इन फ्यूचर बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप इनसे परचेज़ कर सकते हैं। फैमिली डॉग है, लैब्राडोर का मेन काम करते हैं। और अगर आपको खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आप इनसे हेल्प भी ले सकते हैं, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इससे कई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। ज़्यादातर मैं वीडियो को मैं कवर नहीं कर पाया, आप इनको पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, पर प्लीज़ इनको तंग मत कीजिएगा, इनका टाइम और खुद का टाइम प्लीज़ मत वेस्ट कीजिएगा। मैं अभी एक चीज़ दिखा पाऊँ, ये देखो बच्चा कैसे सो रहा है, उड़ जा भाई,
देखो यार ये कैसे सोया पड़ा था, बस कूलर चल रहा है ना, मस्त कूलर की हवा में सोया पड़ा था ये। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ सेंट बर्नार्ड के बच्चे, बहुत ज्यादा क्यूट बच्चे हैं और बहुत ज्यादा हैवी बच्चे हैं, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ सेंट बर्नार्ड। क्या बात है, तो आप देख सकते हो यार कितने ज्यादा क्यूट बच्चे हैं और कितने ज्यादा हैवी बच्चे हैं। मैंने पहले भी सेंट बर्नार्ड के आपको बच्चे दिखाए थे, पर उससे भी ये बहुत ज्यादा हैवी बच्चे हैं। और देख देख सकते हो यार कितना हैवी बच्चे हैं। और ये कितने दिन के बच्चे होंगे भाई? ये 1 महीने के बच्चे हैं, मतलब 30 डेज 31 डेज के अराउंड ये पप्पी हैं। और ये भी फॉर सेल है। वाह क्या बात है। सो इसके साथ मैं करता हूँ आज की वीडियो का एंड। और मैं आपको बता दूँ कि इनका जो मंथली खर्चा रहता है पूरे डॉग्स को पालने में वो 20 से 25 हज़ार के बीच में रहता है। आप इनको फ्री में पेडिग्री भी दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो राइस और चिकन भी इनको दे सकते हैं रेगुलरली डॉग्स को। और जहाँ तक बात रही इस चैनल की, ये चैनल मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा है क्योंकि ये मेरे बहुत करीब है। शुरू से मैं इस डॉग्स की, जब से मुझे शौक है मैं यहाँ पर आता हूँ। और अगर आप चाहें तो आप इस जगह को विजिट भी कर सकते हैं, आपको सारा का सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक चीज़ की डिटेल भेज देगी। और मोर ओवर अगर आप ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इट्स अ वेरी गुड बिज़नेस, अच्छी इनकम है। बट यार इसको बिज़नेस से ज़्यादा जो डॉग्स हैं उनको प्यार करें, ऐसा मत करें इनको कि मशीन की तरह यूज़ ना करें। जैसे ही ये कैनल प्यार करता है, इस कैनल के जो ऑनर है वो बहुत डॉग्स को प्यार करते हैं और उनको अपने बच्चों की तरह रखते हैं। आप इनको बिजनेस ना ट्रीट करें डॉग्स को, और यही बस मेरे से है। बाकी अगर आप चाहते हैं इस डॉग को, मतलब इस डॉग ब्रीडिंग में आना चाहते हैं, तो आपको अगर कुछ नॉलेज मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो इस चीज़ के बारे में प्लान कर रहे हैं डॉग रखने की या न्यू डॉग लेने की, और कमेंट में करें यार किस टाइप की वीडियो आपको चाहिए। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।